बिहार में आपराधिक गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा। शहर में आए दिन लूटपाट, हत्या, फायरिंग आदि की शिकायत सुनने को मिल जाती है। ऐसा ही एक मामला सिवान में सुनने को मिल रही। यहां पर कुछ बदमाशों ने एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पुलिस परिजनों की शिकायत पर जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। घटना महाराजगंज शहर के रेलवे ढाला के समीप की है। मृतक पुरानी बाजार के रहने वाले मनन शाह का पुत्र आदित्य शाह है। बताया जा रहा है कि युवक किसी काम से महाराजगंज रेलवे स्टेशन की तरफ गया था। जब वह अपने घर लौट रहा था, इस दौरान हमलावरों के साथ किसी बात को लेकर उसकी कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद हमलावरों ने युवक को चाकू घोंप दिया और मौके से फरार हो गए। परिजन घायल युवक को लेकर सिवान सदर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि हमलावरों ने युवक की छाती पर दो जगह चाकू से वार किया है। घर से महज कुछ ही दूरी पर युवक की हत्या की गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। आपसी रंजिश में घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। घटना से आक्रोशित लोगों ने सबको सड़क पर रख आगजनी कर दिया और जमकर हंगामा कर दिया। इस घटना के बाद परिजन मुआवजे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि इस घटना से संबंधित सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोगों से कहा गया है कि लोग किसी भी प्रकार का विरोध ना करें और कानूनी कार्रवाई में पुलिस का सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।